भारतीय सनातन शास्त्र में और भारतीय सनातन पद्धति में शस्त्र का प्रयोग तभी जायज बताया गया है जब शास्त्र से निष्णात हो, नहीं तो कहते हैं बंदर के हाथ में अगर उस्तुरा दे दिया जाए तो खुद को काट लेगा। ध्यान से सुनो भारतवासियों, 800 साल गुलाम क्यों रहे हो इस बात को समझ लो। छत्रपति शिवाजी के आज इस दिव्य महोत्सव के दिन क्योंकि शस्त्र चलाना तो सीख जाओगे पर शास्त्र नहीं सीख पा रहे हो तुम। रेल की एक ही पटरी पर भागने का तुमने प्रयास किया है और बार बार गिर रहे हो, इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि झंडे और डंडे से किसी भी देश में राम राज्य नहीं आ सकता। जब तक शास्त्र संत और सदज्ञान में तुम्हारी रुचि नहीं होती राम राज्य की जो लोग बात करते हैं क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उनको ज्ञान नहीं है कि परीक्षित के राज में अंतिम राम राज्य था और तीन चीजें मैंडेटरी हैं, ये तीसरी बार बता रहा हूं, कंपल्सरी है, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं, इसके बाद राम राज्य की बात कर सकते आप। अब आप में से बताओ इतनी माताएं बैठी हैं क्या ये कथा सुनने के पूर्व तुमको मालूम था कि राम राज्य में तीन चीजें जरूरी हैं? जानते नहीं, कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, टिकाऊ नहीं होगा। क्रूरता और कठोरता या जबरदस्ती के बल पे कुछ बना भी लोगे तो 57 कंट्रियां बना के बैठे हुए हैं, रोज अपने ही में बम फोड़ रहे हैं, 57 है रोज फोड़ रहे हैं, वहां दूसरा तो कोई रहता नहीं, वही लोग रहते। अफगानिस्तान से चक्का पकड़ के भागने वाले, पहिए पकड़ के भागने वाले कोई दूसरा कोई थोड़ी था, वही लोग थे, अपने ही देश से भाग रहे थे। भगवान कृष्ण ने एक ही बात कह दी कि ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई वस्तु इस पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में अभी तक बना नहीं है। और अब जो माताएं बैठी हैं, वेद में 1,00,000 श्लोक हैं, ऋचाएं 80,000 कर्म कांड के हैं जो तुम करते हो, अच्छा है वो बुरा नहीं है, हमारे वेद की ऋचाएं हैं, पर जीवन भर क्या बचपन स्कूल में ही पढ़ते रहोगे किडजी में कि ऊपर भी उठोगे? 3 साल का उम्र था किडजी में एडमिशन करा दी गए और 25 साल का हो गए, फिर किसी ने पूछा किस में पढ़ता है, मंद बुद्धि है अभी भी बचपन में ही होते, मंद बुद्धि बच्चे होते बेचारे, 5वीं के 5वीं क्लास में रह जाते। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे श्रीमान जयशंकर जी पांडे, एनसीसी के टीचर थे, उनका एक लड़का था, नाम था धर्मेंद्र, 25 साल का हो गया था लेकिन बेचारा बस बचपन से एक ही चीज लिख सकता था, कौआ टक टका टक टक, कौआ टक टका टक टक। और स्कूल अपना था तो 10वीं क्लास तक उनको बढ़ा दिए थे लेकिन फिर बोर्ड आ गया तो अब कहां, घरेलू स्कूल था तो 10वीं क्लास तक आ गए थे, पहली क्लास में भी कौआ टक टका टक टक, कौआ टक टका टक, पूरा कॉपी भरा रहता था, मंद बुद्धि थे। अब तुम सोचो 1,00,000 ऋचाएं मिली मनुष्य को वेद से,
80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान। तुम मरते मरते तक कर्म कांड तक को पूरा नहीं कर पाते, उसी में उलझे रहते हो। लाल बांधू कि हरा बांधू, वहां बांधियाऊ कि यहां बांधियाऊ, घर के सामने अगर किसी के नींबू मिर्ची मिल जाए और सिंदूर मिल जाए तो डर जाता है। सुबह कोई दरवाजा खोले और नींबू मिर्ची सिंदूर और टूटी हुई चूड़ी, हो हमको कहा गुरुजी हमारे नींबू और मिर्ची मिला, हम कि आलू और ले आ, बढ़िया चोखा बना के खाते हैं। मरकाए रोए डरपोक आदमी। अरे नींबू और मिर्चियों में इतनी ताकत होती तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर करोड़ों रुपए लगा करके भारत के जवानों को शहीद कराने की जरूरत क्या थी? नींबू और मिर्ची बंधवा दो, पाकिस्तान की नजर नहीं लगेगी। चाइना के डोकलाम में भी लगवाओ। हम भारतीय सनातन परंपरा के निष्णात विद्वान आर्य की संतान हो तुम। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, टॉप। कभी नींबुओं से, कभी मिर्चियों से, कभी चूड़ियों से, इससे डरती हो मेरी मां? डालने दो। पहली बात, भगवान राम और कृष्ण के नाम से बड़ा कोई महामंत्र इस जगत में नहीं है, और वो अगर तुम्हें गुरु द्वारा प्रदत्त है और कोई इधर उधर की दो नंबरी विद्या विद्या के द्वारा तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी करे तो सफल होने वाला तो नहीं है, ये पक्का जानो, लौट के उसी पर जाने वाला है। काहे डरते हो भगवान राम और कृष्ण को अपना करके भी इन छोटी छोटी चीजों से?